दमन में 31 दिसंबर को विदा तथा नए साल का आगाज लोगों ने जमकर किया। हालांकि गत वर्ष की तुलना में इस बार कम पर्यटक नया साल मनाने दमन पहुंचे थे। हर साल की तरह इस बार भी 31 दिसंबर की पार्टी सभी होटलों में आयोजित की गई थी, जहां लोगों ने पूरे उत्साह के साथ 2018 को विदाई दी और नए साल 2019 का स्वागत किया। दमन के होटल मीरामार, मीरासोल, गोल्डी बीच समेत अन्य होटलों में पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर्यटकों समेत अन्य लोगों ने नाच गाकर 31st की पार्टी मनाई। हालांकि इस बार पर्यटकों की भीड़ गत वर्ष की अपेक्षा कम ही रही। दमन के होटल पहले की तरह फुल नहीं हुए थे, जिसकी चर्चा भी रही। यह क्यों हुआ, इसके कारणों को लेकर भी लोगों के बीच तरह तरह के कयास लगते रहे। गोल्ड बीच में मतलब लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और अभी भी कर रहे हैं, और जो कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, अपना सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाज अ मेन कंसर्न एंड दैट वी आर डूइंग। इसके लिए आपने भी देखा होगा पुख्ता इंतजाम है सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, लोगों की। इसके अलावा एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान दिया है ताकि कोई गुफअप नहीं हो, कोई मिस्टेक नहीं हो, लोगों को बेस्ट एंजॉयमेंट मिले। कितना क्राउड है सर? 350 क्राउड हमने एक्सपेक्टेड किया था, 350 अभी इन हाउस है हमारे पास। खास करके आपके जो होटल में किस तरह की आपको कस्टमरों को व्यवस्था दी गई है? कस्टमर को सर शुरू से ही ध्यान दिया गया है। कस्टमर को हमने वेलकम ड्रिंक दी है, फिर प्रॉपर एस्कॉर्टिंग की है उनकी, एक एक जो भी प्लानिंग थी उस हिसाब से सीट अरेंजमेंट, उनका डीजे, जो भी अपन जानते हैं 3 Ds आर इम्पोर्टेंट, दे हैव टेकन केयर वेरी लाइक इम्पोर्टेंटली सर। दैट वॉज अ मेन थिंग एक्चुअली। लास्ट ईयर से क्राउड कम होने के कारण कुछ है क्या? कारण ये है कि सर जगह का, स्पेस का थोड़ा क्रंच रहा है, और उसके अलावा थोड़ा सा हम मानते हैं कि इस अभी और भी लोगों के पास डेस्टिनेशन पॉइंट और ये हो गए हैं, बट फिर भी ठीक है, हम चाहते थे इतना क्राउड करना, उतना हमने किया। खास करके 2018 खत्म हुआ और 19 में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी आपके JMD के व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा और कहूँगा कि प्लीज़ एक रेजोल्यूशन सेट करें अगले साल का, ताकि हम सब तरक्की करें और लाइक जो हमारा एक सपना है भारत का वो चलता रहे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। किस तरह से आपने आज 31st एंजॉय किया, कैसा लगा आपको? 31st हमने बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ, लोग 4 फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं बॉम्बे से, और खूब डांस हम लोगों ने किया,
अच्छे से स्नैक्स खाए मेरा बार में, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, सब टाइप के सॉन्ग्स थे, डीजे भी बहुत बढ़िया था, काफ़ी अच्छा था। दमन आप पहले अभी आते रहते हो कैसा? दमन हम लोग हर दो तीन साल में एक बार आ जाते हैं। मीरा में मार में आते? मीरा मार में हम, हमारा ये तीसरा बार है, थर्ड टाइम। कैसा सर्विस, कैसा लगा आपको? सर्विस इज़ वेरी गुड, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, सब लोग अपना अपना तो पूछते हैं, रूम सर्विस वगैरह बहुत अच्छा है, ऑल इन ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सर 2018 गुजर गया, अभी 19 में प्रवेश कर रहे हैं, क्या लगता है 2018 में आपकी ऐसी कोई याददाश्त जो आप बताना चाहो? तो बहुत याद आ रहा है, बट ठीक है, मतलब अच्छा जॉब चेंज हुआ, अच्छा जॉब चेंज हुआ, तो उस हिसाब से 2018 यादगार रहा, और उम्मीद करते हैं 2019 भी जो है अच्छा निकलेगा, सब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके लिए सक्सेस, हेल्थ। जुबेर भाई कैसा रहा 2018 और 19 में प्रवेश कर लिए, कैसा रहा क्राउड, कैसा रहा? पहले तो सारे दर्शकों को 2019 के लिए हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ मैं, मीरा मार और मीरा सोल ग्रुप की तरफ से। 2018 बहुत अच्छा गया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो कि 2019 है उससे ज़्यादा अच्छा जाए। क्राउड कैसा था? क्राउड इस बार अच्छा क्राउड था, डिसेंट क्राउड था, और बहुत अच्छी तरह से सबने एंजॉय किया, ऑर्केस्ट्रा भी अच्छा था हमारे, बहुत सारे पकवान व्यंजन सब अच्छे थे, और सबने अच्छे तरह से एंजॉय किया। जैसे आपने देखा होगा कि गेस्ट एकदम मदहोश होके, मतमस्त होके सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। कितने क्राउड थे लगभग? अच्छा खासा क्राउड हुआ था, 400-500 का क्राउड हुआ था। मतलब ये रूम आउटर थे कि खाली रूम के थे? नहीं, रूम्स के गेस्ट थे, प्लस बाहर के भी गेस्ट थे जो सिर्फ पार्टी इंजॉय करने आए थे, और रूम्स के भी गेस्ट थे। तो 31st में मीरामार किंग बनाती है, और बस अब ये इंटरव्यू ख़त्म होता है, हम लोग उसकी ओर चल रहे हैं। खास करके ये जो 2018 के अंदर आपका क्या न्यू आपका रहा तो होटल के अंदर? 2018 के अंदर हम लोग ने काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट किया है, एक होटल को नया टच दिया है हम लोग ने, एलिवेशन किए, रूम्स का रिनोवेशन किया है, मतलब बहुत कुछ किया है रूम्स के अंदर, और अप टू द कमिंग अप जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक हमारे लोग। 2019 चालू हो गया है, आपके होटल के बारे में क्या कहना चाहोगे लोगों से, जो सराउंडिंग विस्तार के अंदर जो आपकी जो होटल के जो ग्राहक हैं उनके लिए क्या कुछ खबरी देना चाहोगे, और किस तरह का इन्वाइट? ऐसा है कि होटल मीरामार एक ब्रांड है, और वो ब्रांड का नाम ही है मीरामार इज दमन एंड दमन इज मीरामार, इससे आगे और कुछ नहीं कहना।